हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल newTURN। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और लाइफ में भी बहुत कुछ बढ़िया कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 90 से कम परसेंटाइल है जिनके, उनके लिए तो आज का वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक चीज़ को आपको समझ के लेना है। मैं हर चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो पहले समझ के लेना यार, फिर उसके बाद आपको जज करना है कि ये चीज़ सही है या गलत है। ओके, आज का वीडियो आपको आपके पेरेंट्स के साथ देखना है, ठीक है? उनको भी समझ में आना चाहिए यार चीज़ें क्या चल रही है, और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो शुरू करते हैं यार वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि हर एक अपडेट आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके MHT CET कैप राउंड से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं सबसे पहले इस चैनल पर डालता हूँ और सबसे ट्रू डालता हूँ यार। ओके, तो शुरू करते हैं अभी वीडियो को। तो देखो यार, जिनके 90 से कम परसेंटाइल बने, ओके, जिनके 91 से ज़्यादा बने हैं उनको तो अच्छे कॉलेज लग जाने वाले, लेकिन जिनको 90 से कम बने हैं, ठीक है, तो उनके लिए कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है यार। ओके, तो उनके लिए क्या मतलब, उनको तो लो कॉलेज में नहीं लेना होगा बहुत बच्चों को जिनके 90 से कम परसेंटाइल है, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन है क्या? तो यार देखो, एक ऑप्शन है आपके लिए, आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, यूजुअली मैं किसी को ड्रॉप करने के लिए सजेस्ट नहीं करता यार, ना कि मैं करूँगा, लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई यार, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी 2-3 महीने बाद ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली MHT CET की। ओके, बता रहे मई में, लेकिन उससे पहले ही होने वाली यार एग्ज़ाम, ये इंटरनल सोर्स से पता चला है। ओके, तो आप अगर आपके कॉलेज शुरू भी होंगे तो वो अप्रैल मार्च अप्रैल तक लग ही जाएगा यार कॉलेज को अच्छे से फ्लो में शुरू होने के लिए। ओके, और अप्रैल में आपकी फिर से MHT CET आने वाली है, ठीक है? तो मुझे लगता है यार कि जिनके कम परसेंटाइल है उनको ड्रॉप के बारे में एक बार इस बार सोचना चाहिए। ओके, मैं हर साल किसी को नहीं सजेस्ट करता कि आप ड्रॉप लो यार, लेकिन इस बार मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस बार आपका ईयर वेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है? आपकी मार्च में आपके कॉलेजेस शुरू हो गए और अप्रैल में आपकी MHT CET की एग्ज़ाम होगी और मई जून में आपका फिर से फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन होगा। ओके, तो मुझे लगता है यार इस बार अगर आपके कम परसेंटाइल है, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 2-3 महीने मिलने वाले यार आपको लिए, और 2-3 महीने में MHT CET के लिए पढ़ाई करना बहुत आसान है। ओके, मैं यहाँ पर मैंने डिस्प्ले भी किया है सिलेबस यार, सिर्फ 40 मार्क्स का आपका 11th स्टैंडर्ड में से आने वाला है और 160 मार्क्स का आपका 12th स्टैंडर्ड में से आने वाला है। और एक चीज़ उसके साथ, और एक चीज़, इस बार जिनके 100 मार्क्स थे उनको 97% से आगे थे। ओके, तो इसीलिए अगर आपको 95% चाहिए, सिर्फ आपको 80-90 स्कोर करना है, इसका मतलब क्या, सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड का पढ़ के भी आप आराम से 95 क्रॉस कर सकते हो। ओके, और 12th की आपने चीज़ें पढ़ रखी है, थोड़ी सी आपको और थोड़ी सी एडवांस लेवल में पढ़नी है। ओके, चीज़ बहुत सिंपल है यार, आप ले सकते हो ड्रॉप में, ऐसा मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ड्रॉप्स लेना चाहिए। ओके, और अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते और आप इसी साल MHT CET के बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको काउंसलिंग बहुत प्रॉपर करनी है। काउंसलिंग के लिए आपसे अगर नहीं होता होगा, कॉलेज लिस्ट नहीं बनती होगी, तो मैं बना के देता हूँ यार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, लेकिन आपको आपकी काउंसलिंग, कॉलेज फिलिंग अच्छे से करनी है। कॉलेज फिलिंग के लिए मैंने एक टीम डिज़ाइन की है, COEP VJTI वालचंद PICT कॉलेज के टॉप बंदे मैंने उठाए वहाँ से, और वो आपको सजेस्ट करने वाले कि ये कॉलेज फिल करो, वो कॉलेज फिल करो, तो उनके हिसाब से वो बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी और मेरे हिसाब से वो आपको करना चाहिए वो चीज़। इसलिए मैंने आपको गूगल फॉर्म दे दिया, गूगल फॉर्म फिलअप कर दो यार, 2 दिन के अंदर आपको कॉलेज लिस्ट मेल हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी यार आज की वीडियो में। जो बच्चे MHT CET 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे यार, उनके लिए अनअकैडमी पर डेली T20 मॉक टेस्ट चल रही है, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, तो आपको उस चीज़ में एनरोल करना चाहिए यार, बहुत बहुत बढ़िया सीरीज चलती है और टोटली फ्री है। ओके, अनअकैडमी एक इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यार, उस पर चीज़ें आपको इतनी फ्री में और क्वालिटी में मिल रही है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर अनुभव लेना चाहिए। ओके, और ये चीज़ मतलब ये जो टेस्ट होगी यार, वो आपका मतलब पूरा रिविजन हो जाएगा आपका। ओके, पूरा सिलेबस का ये रिविजन करा देंगी ये टेस्ट, और मेरे हिसाब से T20 टेस्ट आपको ज़रूर देनी चाहिए अनअकैडमी की। ओके, उसके बाद आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अनअकैडमी का, उस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, रियल टाइम इंटरेक्शंस मिलेंगे टीचर्स के साथ, आप डाउट्स पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे यार, और उनके बीच में आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग तरीके से बूस्ट कर सकते हो।
ओके तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ का ज़रूर अनुभव लेना चाहिए। इसके 12 महीने की फ़ीस है यार 14,850 रुपये, और आपकी 6 महीने की फ़ीस जाती है 12,150 रुपये। लेकिन उसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो न्यूटर्न ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट स्पेस, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर आपको इस चीज़ का अनुभव लेना चाहिए। 1 मंथ का उनका सब्सक्रिप्शन है, पहले आप 1 मंथ का करके देखो, अगर अच्छा लगा तो आप 12 महीने का करो, ठीक है। 1 मंथ का उनका 2700 रुपये उनकी फ़ीस है। ओके आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, मैंने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके तो यही सारी चीज़ें थी यार आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि मैं मतलब सब्सक्राइब करने के पीछे रीजंस भी बता देता हूँ यार, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है MHT CET के स्टूडेंट्स के लिए। ओके तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट होगा तो यार मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, ट्विटर पे पूछ लो, या कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, सब जगह मेरी टीम और मैं रिप्लाई करते ही करते हैं आपको। ओके तो ख़त्म करते हैं चीज़ों को, और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।